जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। सत्संग शेयर करने से पहले हमें दुआ दुआ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कलयुग का समय है। ये तो चीज है ही कि अभी ये समय में बहुत बदलाव आ चुका है। वो समय रहा नहीं जो सतयुग में था। अभी तो इंसान खुदगर्ज होते जा रहा है, अपना जमीर वो खो चुका है। ज्यादातर लोगों के दिलो दिमाग पर अहंकार छाया हुआ है। रिश्ते तो आप समझिए पांव पे लग गए, उसके बावजूद भी लोग अहंकार छोड़ना नहीं चाहते। बहुत से परिवार ऐसे दिखाई देंगे दुनिया के अंदर के जो बचपन में यूं होते थे, लेकिन आज की तारीख में केवल यूं दिखाई देते हैं। वजह केवल एक ही, प्रॉपर्टी। यही उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, प्योर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो प्रॉपर्टी भी नहीं पी पाते साथ में बैठ के। ये हालत है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो लोग भगवान को इतना मानते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमेशा उसका नाम स्मरण करते हैं, केवल वो इतना स्वार्थी कैसे हो सकते? क्यों वो केवल अपने ही बारे में सोच सकते हैं? क्यों केवल अपने ही बच्चों के बारे में सोच पाते हैं? क्यों अपने भाई बहनों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोच पाते? क्यों अपने माता पिता के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में नहीं सोच पाते? क्यों उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते? क्यों? जो कि मालूम है कि वो आखिरी पड़ाव में है। और ये भी सच्चाई है कि इसी पड़ाव में तो सभी को जाना है, क्योंकि इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। इसे तो कोई, उसके बावजूद अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी तरह से वो पूरी कोशिश करते रहते हैं। खैर, आज दुनिया में अगर देखा जाए तो इंसान ने इंसान से बचने के लिए परमाणु हथियार बनाए, इंसान ने इंसान से बचने के लिए परमाणु हथियार बनाए। उसके बावजूद एक सूक्ष्म कीटाणु ने इंसान को उसके अपने अवकाश दिखा दी है। वह मुंह छुपाते हुए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसे अपने अवकाश दिखा दी। इसलिए दवाओं के साथ साथ हमें दुआओं की भी जरूरत है। मैं तो हमेशा ईश्वर से यह कहता हूं कि करोड़ों हाथ उठ रहे हैं तेरी दुआ में, अब तो उतर के आ जा दुआ असर बनकर दुआ दवा में। खैर, सत्संग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सभी की तरफ से मैं गुरु जी को एक प्रार्थना करना चाहता हूं, ताकि हम आप सभी की, ये मेरी अकेली की प्रार्थना नहीं है, हम सभी की प्रार्थना है। मैं चाहता हूं ये प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचे और वो हमें इस बार प्रार्थना को स्वीकार करे। आ जाओ के सब मिलकर रब से दुआ मांगे, जीवन में सुबह हो चाहे चाहत मिले वफा मांगे, हालात बदलने में अब देर न हो मालिक, जो दे चुके फिर ये अंधेर न हो मालिक, एक तू ही भरोसा एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता, ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अब मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर गुरुजी के साथ मेरा सफर कैसे शुरू हुआ मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं वो भी बता दूं कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि जिन्होंने आपको जोड़ा है उन्हें कभी भूलना मत। तो मैं अपनी दीदी मीना दीदी शर्मा, जो कि ऑपेरा हाउस में रहते थे, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से ही हम गुरुजी से जुड़ पाए हैं। तो 2012 में उन्होंने एक बार हमें फोन किया कि आप क्या कर रहे हो करके। अब संडे का दिन था तो आज काम है कुछ ना कुछ काम है। बोले कहाँ पर काम है? तो हमने बोला हमको अंधेरी काम है। तो बोले कितने बजे तक? मैंने 12-1 बजे तक हमको काम है। तो ठीक है, बोले मैं 2 बजे में आप मुझे मिलिए। फिर बता देते कि हम किसी की शादी में, जबकि हम झूठ बोले थे हमको टालने के लिए। मैंने कहा संडे अभी ऑपेरा हाउस समझो साउथ में पड़ता है और अंधेरी था नॉर्थ में, तो मुझे लगा ये ऑपेरा हाउस बुला रही, इसके लिए मैंने टाल दिया, मैंने अंधेरी जा रहे। तो हम लोग फिर अंधेरी 2 बजे तक पहुंचे तो वहां पर उनका मुझे फोन आया। तो बोले हो गया? मैंने हाँ सब हो गया। तो बोले आप चलिए हमारे साथ में। तो मैंने कहा जाना है? बोले चलिए। तो पहली बार हम लोग एक इंद्रपीडित अंकल खारलोड में रहते हैं उनके यहाँ पर गया। तो वो बड़ा एक पंजाबी परिवार था, सिख परिवार था। तो जैसे हमने एंट्री किया तो मैंने देखा कि एक बोरी चेयर थी, चेयर के ऊपर ऐसी गुरुजी की फोटो रखी हुई थी, गुलाबों से सजाया हुआ था। बस हम लोग जाके बैठ गए। अब मैं तो पहली बार जा रहा था, मुझे भी मालूम नहीं, मुझे लगा कि शायद कोई बाबा जी आएंगे बाद में शायद बैठेंगे, मुझे पता नहीं था। वहां पर पंजाबी शब्द चल रहे थे, पंजाबी तो मुझे आती नहीं है, मैं और आंटी दोनों गए थे, मुझे पंजाबी शब्द आ ही नहीं रहते।
हम लोग सिर्फ सुन रहे थे। फिर बाद में उन्होंने जल दिया, तो जल प्रसाद वहां जल प्रसाद कह रहे थे, जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद लिया। फिर बाद में उन्होंने समोसा भी दिया, तो वो भी हम लोग प्रसाद, हम लोग तो टालने की कोशिश की, हम लोग तो खाना खा के आ रहे थे। दीदी ने मुझे बोला नहीं आप टाल नहीं सकते, ये प्रसाद है, इसे टालना नहीं। मैंने ठीक है दीदी, हमने वो भी ग्रहण किया। फिर बाद में समझो 2 घंटे होने का, 2 घंटे ये शब्द ही चले। उसके बाद में फिर वहां पर शंकर भगवान की भी आरती हुई। अब मुझे बड़ा अचरज हो रहा था कि मैंने कहा सिख परिवार है जो कि बड़े कट्टर होते हैं। आप देखिए कि सिख समाज के लोग ज्यादातर गुरु ग्रंथ साहब को ही मानते हैं, इसके अलावा वो कहीं पर भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते। वो पहला प्रथम जो पहला प्रेफरेंस देते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और कट्टर सिख तो वही रहते बिल्कुल। मैंने उसके बावजूद मैंने कहा अभी ये यहाँ पर इन्होंने बाबा जी को माफ करना गुरु जी, जो मैंने उस दिमाग में वही बता रहा हूँ मैंने, ये बाबा जी को इनको, अरे और शंकर भगवान की आरती हो रही थी जबकि फोटो बाबा जी का था, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा। और तो शिव जी की आरती की गई वहां पर, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ कुछ सवाल चल रहे थे। मैंने ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी श्रद्धा से वो पूरा परिवार अपने बच्चों के साथ में सबकी सेवा कर रहा था। अभी अब भी टू द ग्राउंड ये हमको बड़ा अजीब लगा। तो ठीक है, वो सब हो जाने के बाद भी फिर प्रसाद वगैरह वो लंगर प्रसाद था जो भी था, हमने प्रसाद ग्रहण किया। और अब जब हम जाने लगे तो उस वक्त उन्होंने गुरु जी का स्वरूप हमें दे दिया, तो बोले आप इसे रखिए। तो मैंने कहा बोले आप इसे पूजा घर में रखिए गुरु जी का। तो फिर उसके बाद में हमने पूजा घर में रख दिया। हमने दीदी को पूछा दीदी इसका क्या करना है, बोले कुछ नहीं भैया इसको पूजा घर में रखना है, तो हमने पूजा घर में रख दिया। संकेत जी आप देखिए 2012, 2013, 2014, 2015 चार साल हो गए हमको, 4 साल में उसके बाद में न उनके प्रति कुछ लगा न कुछ ले। जैसे साई बाबा की फोटो भी रखी थी वहां मेरे मंदिर के अंदर, तो साई बाबा की भी फोटो थी। गजानन महाराज, मैं गजानन महाराज को ज्यादा मानता था, तो मैं अभी जय गुरु जी करके मैं हमेशा उनकी पूजा करता था। इसे 4 साल निकल गए। उसके बाद 2015 में फरवरी में फिर दीदी ने ही हमको बुलाया, इसी दीदी ने मुझे बुलाया। देखिए मेरे को हमारे पीछे पड़ गई समझो, अच्छा अच्छा। और वो हमारे फायदे के लिए कह रही थी, वो चाहती थी कि हम लोग जुड़े, वो दिल से चाहती थी, और गुरुजी ने उनको ऐसी बुद्धि दी थी। फिर तो फिर वापस उन्होंने बोला कि आप कहाँ पर हो, मैंने आप तो घर पे, और संडे का ही दिन था। तो बोले अभी तक गुरु कृपा के पास में आ जाइए, तो बोले मुझे आपसे आज पार्टी लेनी है। अरे मैंने तब घर ही आ जाओ ना, पार्टी नहीं, बोले गुरु कृपा में ही चलिए आप। तो ठीक है, हम लोग गुरु कृपा चले गए। फिर बोले चलो पार्टी बाद में खाएंगे। फिर एक जगह वहां पर एक हॉल था, वहां पर गुरु कृपा का ही हॉल था वहां पर। तो उस हॉल में हम गए और बाहर देखे तो सेवादार वगैरह थे, वो मतलब जूतों की सेवा कर रहे थे। तो हम लोगों ने जूते, उन्होंने जूते हमको छूने भी नहीं दिए, अपने आदमी जूते। और फिर बाद में फिर जैसे हम लोग हॉल के अंदर गए, बस वहां जो हुआ, वहां पर जो गुरु जी का स्वरूप मैंने देखा, वो इतनी आभा थी उस स्वरूप के पीछे, मेरा दिमाग क्या, हम तो अपना दिमाग बिल्कुल 360 में घूम गए। हमको ऐसा लग रहा कि हम कहाँ आ गए, ऐसे लगे जैसे स्वर्ग में आ गए हो। मतलब इतनी पॉजिटिव वेव्स हमको वहां पर मिली। और मतलब वहां जाने के बाद में पहली बार हमको महसूस हुआ कि शायद हम बहुत सही जगह आए। और वहां मैंने देखा कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े बिजनेसमैन, अच्छे पढ़े लिखे खानदान के लोग, बड़े बड़े लोग बिल्कुल टू द ग्राउंड, बिल्कुल नीवा होके अपना कार्य कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। आप सोचिए, आपको बिल्कुल वहाँ गेस्ट की तरह आमंत्रित किया गया था। और बड़े अच्छी तरह से हमने वहाँ पर भी वहाँ चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। और फिर बाद में वहाँ पर भी जो कोई संगत आई थी वो भी अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए बाद में, लंगर प्रसाद होने के बाद में। उसके बाद में आप सोचिए, हमें तो गुरु जी ने हमें जैसा खींच लिया उस टाइम को, वो दिन था कि गुरु जी ने हमको जोड़ लिया। उसके बाद में घर आने के बाद भी हम उस चीज को भूल नहीं पाए। उसके बाद में हुआ ये कि बम्बई में, साउथ बम्बई में, ठाणा तरफ जहां भी घरों में सत्संग होते थे, जो मैसेजेस आते थे, भाई और आंटी हम दोनों चले जाते थे वहां पर। हमने कभी वो सत्संग नहीं छोड़ा, हम इतना जुड़ गए। फिर पता चला कि कांदिवली में मंदिर है, तो हम कांदिवली मंदिर भी जाने लग गए। कांदिवली मंदिर हर संडे हमें जाना है, वहां पर हम लोग अटेंड करने लग गए। मतलब इस तरीके से हमें उसका पागल से वैसे समझे मतलब। और मुझे भी अचरज हो रहा था, मैं भी मन ही मन में गजानन महाराज को बोलता था कि बाबा जी आप मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता कि मैं गुरु जी की ओर क्यों खींचा जा रहा हूँ। अब ये चीज तो हमको बाद में मालूम, क्योंकि गुरु जी ये तय हो गया है कि जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होगी कोई उनसे जुड़ नहीं सकता। अब मीना दीदी ने पूरी कोशिश की थी 2012 में कि हम जुड़ जाए, लेकिन 2012 में नहीं, गुरु जी ने हमको बोला ये अभी आपका वक्त नहीं है, हमको जुड़ना था 2015 में। तो हमारी पात्रता केवल इतनी है कि किसी को भी हम गुरु जी से नहीं जोड़ सकते, हम गुरु जी के दर तक उनको लाके छोड़ सकते हैं, आगे का काम गुरु जी जाने, ये होता है, बस वही हम लोग करते हैं। यहाँ हम किसी को जोड़ नहीं सकते। हम चाहते हैं, हम किसी को भी बुलाने का, सत्संग अटेंड करवाने का मकसद यही है कि कोई सत्संग सुने और उनका भला हो, गुरु जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, यही हमारे उसके अंदर ये रहते हैं। और फिर वहां से इसी तरह से मंदिर हमारा जाना चालू हो गया। और गुरु जी से जुड़ने के बाद में एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह से
समझ में आई और पहली बार हम लोग सीख गए। अब क्या हर कोई सीख जाता है कि भगवान का शुक्रिया अदा करना हम सीख जाते हैं, हम कभी भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। अब कितने भी कार्य हो जाए वो हम लोग थैंक्स बोलते ही नहीं है। अगर किसी ने हमारे ऊपर एहसान किया तो उसको हम जरूर शुक्रिया अदा कर देंगे, थैंक यू बोल देंगे, लेकिन ईश्वर का हम थैंक्स नहीं बोलते हैं। हाँ, ईश्वर को मन्नतें जरूर मानते हैं, जहां हमारी मन्नत पूरी होगी वहां हम जरूर जाएंगे, भले हमारी श्रद्धा किसी भी भगवान में हो। क्योंकि आज इंसान का दिमाग ही वैसे, इंसान के दिमाग में किंतु परंतु इप्स बहुत ज्यादा रहते हैं, वो हर बारे में देखता है कि कहाँ अपना काम हो रहा है। किसी ने बोला कि फराना वहां जाके जब मन्नत जाओ वहां पर इतने चला के तुम्हारा काम हो जाएगा, भगवान कभी नहीं कहते तुमको कि हमको मन्नत मांगे, कभी नहीं कहा भगवान ने, ये कहा ही नहीं। ईश्वर यहाँ दर पे आके हमको ये शुक्राना अदा करना मतलब आभार प्रकट करना हम सीख गए कि सही में हमको नहीं मालूम अगर हम आज सो रहे कि कल हमारी आंख खुलेगी कि नहीं, हमको नहीं मालूम, हमको सिर्फ उम्मीद रहती है लेकिन हमारी आंख खुल दी, तो ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि हमको कल का दिन देखने में मिल रहा है, तो बहुत बड़ा शुक्रिया है। तो हमको शुक्रिया अदा करना ही चाहिए, हर सांस का शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान के दर से। अच्छा, तो और गुरु जी का वैसा देखा जाए तो हमको अनुभव मुझे संकेत ज्यादा मिले हैं, दर्शन तो मुझे हाल ही में हुआ है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन शुरू शुरू में हमको कभी लोग कहते थे कि गुरु जी के दर्शन में दर्शन आपको, हमको संकेत जरूर मिलते थे। अब एक बार ये हुआ था कि मतलब ऐसे तो हम हमेशा ही जाते थे मंदिर में, लेकिन एक बार हुआ था कि मई का टाइम था और मई के टाइम में ये घर पे जैसे मेरी आंटी ने कुछ जैसा कुछ रुपए थे 4-5 हजार रुपए, कुछ अंगूठिया थी, अपना मंगलसूत्र, गर्मी की वजह से एक थोड़े से नैपकिन के अंदर बांध के रख दिया था, तब तक कोई आ गया था तो वो वहां भूल गई, उसमें और भी काफी सोने की चीजें थी वो वहां पर बेड पे भूल गई। अच्छा, और फिर बाद में वो जो बाहर चली गई थी वो लेडी को अंदर आके वो भी बैठ गई, ऐसा फिर उनसे बातचीत हो गई और उसके बारे में वो भूल भी गई। अच्छा, उसके बाद में जाने के बाद में वो आंटी को याद है, उसने बोला भी था कि अंदर रख देना, लेकिन वो अंदर रखना भूल गई। अच्छा, बाद में वो चीज ना मिले, आज हम लोग परेशान हो गए, नहीं कहते कहते कि उसकी वैल्यूएशन नहीं को भी 3-4 लाख तक तो होगी, तो हम लोग से परेशान हो गए थे कि भाई रखा कहाँ, तो अभी हमको ऐसा लगा तो कोई भाई जो आई थी मिलने के लिए हो सकता है वो लेके तो नहीं गई, हमको मतलब शंका। अच्छा, हमने पूरी ढूंढ निकाली, एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, पूरी अलमारी आप समझे दिवाली की सफाई हो गई, पूरा अलमारी हमने साफ सफाई कर ली, ऐसी कोई चीज नहीं थी या कोई जगह नहीं थी कि जहां हमने उसको नहीं ढूंढा, हर ढूंढा। उसके बाद में फिर मैं एक बार ऐसे मंदिर गया, उस दिन तो ये मंदिर गई नहीं क्योंकि पूरा हफ्ता निकल गया। आखिर में हमने ये सोचा था कि चलो हम लोग पुलिस केस कर देंगे, लेकिन पुलिस केस करेंगे तो करें तो किस पे करें, हम तो सोचा। आखिर में फिर हम लोग मैं मंदिर गया तो वहां पर गुरु जी के सामने मैं बैठा था, तो मन ही मन में गुरु जी से ये बात कर रहा था कि गुरु जी का कहना था कि आप मांगो मत आप मानो, तो मैं गुरुजी को वही कहता था कि गुरुजी आप तो बोलते हैं कि मांगो मत मानो, मानो मत मांगो मत आप मानो, तो मैंने अभी मांगू किसको मैं, अगर आप बोलते हैं कि मांगो मत, और मैंने कहा आप जानते हो आप तो सर्वज्ञ हो सर्वशक्तिमान आप सर्व जानते हो, मैंने आपको मालूम है कि घर पिछले 7 दिन से घर की हालत क्या हुई है, मैंने कहा सबकी, मैंने कहा हवाई उड़ गई, चेहरे डाउन हो गए, मैंने कहा नुकसान हो गया है, अब हमें नहीं मालूम, आपको ये भी नहीं मालूम कि वो चीज कहीं रखी गई है क्या बोले, मैंने मुझे कुछ नहीं मालूम गुरुजी, किसी भी तरह से वो चीज हमें मिल जानी चाहिए, मैं मेरे दिमाग में कभी सोचूंगा नहीं कि हमने गलती से कहीं रख दी थी और ये हमें मिल गई, हम ये सोचोगे कि आपकी कृपा से वो मिली, मेरे दिमाग में मैंने एफ बट्स नहीं है गुरु जी, क्योंकि अगर वो मिलनी होती तो मैंने ऐसा कौन सी जगह हमने घर में उसको नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा, तो मिली क्यों नहीं, फिर हमने उनको ये बोला। तो फिर गुरु जी को ये प्रार्थना करके मैं निकल के आया, और वो संडे का दिन था, और जब मंडे में जब अपनी ड्यूटी में गया तो बाद में पीछे से आंटी का फोन आया कि वो चीज मिल गई करके, और वो कहाँ थी, अलमारी जैसी खोली वो सामने रखी हुई थी, जबकि जिस अलमारी को हमने 10 बार खाली करके देख चुके थे, और वो चीज वैसी की वैसी थी जैसे रखी थी, जिस ढंग से उसने गांठ मार के रखी वैसी थी। तो अभी चलो अगर कोई ये कहेगा कि चलो कोई गलत अपने ऐसे ही रख दिया होगा कहाँ पर मिल गई होगी, जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन हमें मालूम है कि हमने कितना ढूंढा था, और ये गुरु जी की कृपा से हमें मिली, हमें ये भी कहता है। दूसरा ये ऐसा ही एक सत्संग है, आपको थोड़ी सी हंसी आएगी, एक बार क्या था कि मेरे लड़के का MDS में एग्जाम हो रहा था, तो उसके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके मैं घूम रहा था इधर उधर, तो मेरे सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लड़के के मैंने डिक्की में रखे थे मेरे बाइक के, और एक एफिडेविट करने के लिए मैंने एक जगह गाड़ी पार्क की और मैं एफिडेविट लेने के लिए गया, तो मैं वो टैक्सी वाले को बोला मैंने 2 मिनट के लिए आप यहाँ देखा था मैं अभी आता हूँ, बस मैं वहां गया, बस उसको पेपर दे देके आप इसको टाइप करके रखना, और मैंने आके मैं शाम को कलेक्ट करता हूँ, और जब तक मैं नहीं आया देखा तो मेरी गाड़ी थी नहीं वहां, तो मैंने टैक्सी वाले को पूछा बोले तो टो वाले उठा के लेके, मैंने टो वाले उठा, मैं तो आपको बोल के गया, बोले मेरा दिमाग ध्यान ही नहीं रहा, बोले अरे मैंने कहा तुम कैसे कहते हो भैया, तो फिर मैंने देखा तो टो वाला तो जा ही रहता, तो मैंने कहा यार, फिर मैंने बड़ा हैरान हो गया, अब वहां गाड़ी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि बोले मैंने कहा तुमने देखा सच्ची में मेरी ही गाड़ी थी क्या, बोले मुझे लगता तो क्योंकि यहीं तो गाड़ी थी आपकी, अच्छा मैंने फिर भी हो सकता है मैंने कहा किसी और की गाड़ी लेके, तो मैंने वहां पर करीब 100 मीटर के एरिया में सारा देख लिया कि
कहीं गलती से मेरी गाड़ी दूसरी जगह तो नहीं किसी ने पार्क कर दी किसी कारण उसकी पार्किंग की वजह से, मैंने दिख लिया वहां थी तो मैं परेशान हो गया। तो मैं फिर सारी गाड़ी के लिए मैंने मेन जगह सायन में पहुंच गया जहां पर सारी टो गाड़ियां आती है, तो वहां पर टो की सारी गाड़ियां आ गई, एक दो तीन चार पांचों गाड़ी आ गए। तो मैंने उनको पीछे मैंने पांचों गाड़ियां तो बोले पाटों का साइड से तो सारी गाड़ी आ गई, इसमें गाड़ी आपकी है नहीं। अरे मैंने कहा लेकिन मेरी गाड़ी तो वहीं से उठाई, लेकिन बोले आपकी गाड़ी उठाते तो यही मिल जाती ना, मुझे तो अभी टेंशन हो गई, मैंने गाड़ी यहाँ भी नहीं है। तो बोले उन्होंने बोला अभी कोई और उठा के लेके गया आपकी गाड़ी, बोले आपने गाड़ी को लॉक किया था कि नहीं, मैंने गाड़ी को लॉक तो किया था। तो बोले फिर मुझे और टेंशन अभी ये हो गया कि मेरा तो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स उसके अंदर है, मैं इसके एडमिशन कराऊंगा कैसे। मेरे दिमाग में तो बस मैं टैक्सी किया तुरंत, मैंने भैया वहीं पर चलो। तो फिर बस मैं मंत्र जाप ही करता रहा गुरु जी का, मैंने गुरु जी मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरे वो सर्टिफिकेट मुझे मिल जाने चाहिए, मैंने मैं एडमिशन कैसे कराऊंगा कल, मेरे को ये टेंशन था। जैसे मैं वहां पर पहुंचा देखा तो गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। अब मेरा लड़का मुझे ये बोला था कि पापा आपने गाड़ी वहीं खड़ी हुई आपने ठीक से देखा नहीं हो। मैंने ठीक है जैसा भी होगा, लेकिन मैंने मुझे मालूम है कि मैं गाड़ी कहाँ पार्क की थी। ठीक है मैंने कहा जैसा भी हो, मैंने वो जैसा भी सोचे कुछ नहीं। तो इस तरीके से मुझे वो एक अनुभव आया। दूसरा एक बार ऐसे फिर हम लोग घर पे बैठे थे, तो हम लोग हमेशा वहां पर जाते और मंदिर में ऐसा रहता था कि सेवादार जो रहते थे वो किसी को भी सेवा के लिए बुला रहे थे, वहां पर 100-150 लोग बैठे रहते, वो किसको सेवा के बुलाएंगे ऐसा कुछ नहीं रहता था, कोई नियम नहीं रहता, उतने दिलों में आएंगे किसी को भी उठा लेंगे। एक बार ऐसे हम लोग चाय पी रहे थे तो पता नहीं मुझे ऐसा आभास हुआ कि गुरु जी की प्रतिमा मुझे दिखाई दी। तो मैंने इसको भी बोला, को भी बोला और लड़की को बोला गुरु जी का प्रतिमा दिखाई दे रही है। बोले पापा आपको तो है ना गुरु जी का ये सवार हो गया, बोले तो आपको सब तरफ गुरु जी थे। मैंने नहीं सही में गुरु जी दिख रहे, तो जैसे वो देख रहे हैं नहीं अभी तो गायब हो गए, मैंने अभी तो दिखाई नहीं दे रहे गुरु जी। तो बोले नहीं कोई गुरु जी वगैरह नहीं आते दिखे। मैंने देखो अगर हम लोग जा रहे हैं ना, मैंने कहा फिर गुरु जी को मैंने बोला गुरु जी अगर आपने सही में मुझे दर्शन दिए हैं तो आज मुझे सेवा मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मैं मान्य होगा कि मैं झूठा हूँ, मैंने ऐसे ही बोला। तो हम लोग शाम को मंदिर गए, वहां भी 150-200 लोग बैठे थे। तो फिर वहां पर बैठे थे हम लोग सब जाके बैठ गए 5:45 बजे। फिर बाद में अब इतने लोगों के अंदर सेवादार ने इशारा करके मुझे बुलाया अंकल आप इधर आइए। तो फिर मैं गया तो गुरु जी वो जल प्रसाद का ग्लास उन्होंने मुझे दिया और मुझे बोला कि अंकल ये जल सेवा जो है आपको करनी है, आप गुरु जी के आगे जाके रख दीजिए। तो फिर उनका जैसा नियम था सेवादार मैं आगे था जल प्रसाद लेके और चार सेवादार मेरे पीछे थे और हाथ जोड़ के मैं आगे जाके गुरु जी के वो जल प्रसाद रख दिया और फिर मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने देखो गुरु जी ने मुझे सेवा दी कि नहीं। अच्छा तो फिर मैं वापस आके वहां बैठ गया। तो बोले ठीक है। अच्छा उसके 2 मिनट बाद में वो सेवादार ने बोले अंकल आप इधर आइए। तो फिर दोबारा मुझे बुलाया, मैंने बोली अंकल। फिर मुझे रसोईघर में लेके गए। अब मैं रसोईघर में उसको पहली बार गया था वहां पर जो था और वहां पर गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप था ऐसा लग रहा था गुरु जी कभी बोल पड़ेंगे। और फिर उनके सामने सेवादार ने बोला अंकल आज जितनी भी संगत आ रही है ना इन सबके लिए आपको चाय बनानी है, हम बताएंगे आपको कैसा क्या करना। तो वो अब हमको बताते गए कि भाई कितनी शक्कर लेना है कितना चाय लेना है, वो उनके हिसाब से वो मुझे डायरेक्शन देते गए और मैं बनाता गया और बस वही मंत्र जाप चलता रहा। और उस दिन जितनी भी संगत आई उन सबको चाय प्रसाद उस दिन मैंने दिया उस वक्त इस तरीके से। तो इस तरीके से मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, बनाया गुरु जी ने वाकई में मतलब मुझे दर्शन दिए ऐसा मुझे लगा ऐसा। अच्छा और कभी कभी मतलब ये होता है ना कि गुरु जी अपनी छोटी छोटी बातें बहुत जल्द पूरी कर देते। अभी एक वाक्य ऐसा कहता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि 1997 में जब मेरी सर्विस छूट चुकी थी, मुझे सर्विस चली गई थी, तो 1998 का 1 जनवरी फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट। तो मैंने सोचा चलो साईं बाबा के दर्शन करके आए, मैं मानता तो उस वक्त गजानन महाराज को ही था लेकिन गजानन महाराज थे शेगांव में, तो मैंने साईं बाबा के दर्शन करके आते। उस वक्त मैं पहली गाड़ी पकड़ के वहां पर शिरडी पहुंच गया था और सुबह में 4:30 बजे वहां लाइन में खड़ा रहा। आप सोचोगे नहीं 4:30 बजे मैंने जब वो क्यू में था और साईं बाबा के दर्शन मुझे हुए 12:45 को, आप सोचिए मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी और दर्शन भी हुए इट वॉज ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब इतनी भीड़ थी लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ थी। तो उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग से मैंने बाबा जी के सामने वहां बोला, मैंने बाबा जी आज के बाद मैं कभी शिरडी नहीं आऊंगा, मुझे ऐसे दर्शन होने होंगे तो मैं कभी आऊंगा ही नहीं शिरडी, जब आपकी इच्छा होगी तब मैंने आपके दर्शन लेना होगा तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा, अभी संसार में आपके हजारों मंदिर है मैं वहां चला जाऊंगा लेकिन मैं शिरडी नहीं आऊंगा, ये मैं कसम खा के निकल गया वहां से उस दिन। और फिर उसके बाद में अभी 2017 या 2018 का मेरे को साल एग्जैक्ट याद नहीं, मेरे कजिन ब्रदर्स के लड़की की शादी थी तो उस शिरडी शादी शिरडी में रखी हुई थी। अब इसी वाक्यात के अंदर देखिए एक दो सत्संग है वो मैं एक के बाद एक बताता हूँ। तो करीबन एक शादी जो थी वो 19 जुलाई को थी, तो फिर वो एक दिन पहले हमें पहुंचना था, हम लोग वहां पहुंच गए थे 19 जुलाई को शादी के अंदर। तो वहां पर जो मेरे भाई की लड़की की शादी थी तो उसके कन्यादान के लिए
मेरे दूसरे भाई के बेटे लड़की बैठी हुई थी, तो मैंने पूछा यार तुम लोग क्यों नहीं बैठे, मैंने कंडेदार वो लोग क्यों कर रहे हैं, बोले एक्चुअल उसकी शादी, वो जानती थी उसका नाम प्रीति, मैंने कहा बोले एक्चुअली उसको संतान नहीं है, मैंने इसको शादी तो 10-11 साल हो गए उसको संतान है ही नहीं, तो मैंने कहा तुमने कभी बताया नहीं मुझे, नहीं बोले कभी कुछ काम पड़ा नहीं उसका, तो ये मतलब ये दोनों भाई है बड़े भाई और छोटे भाई, तो छोटे भाई की लड़की की शादी थी और ये बड़े भाई की जो लड़की थी और दोनों दामाद दोनों वो बैठे थे पूजा में तो कर रहे, तो पता नहीं मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ स्ट्राइक हो रहा, तो मैंने बोला मैं ये काम करना, ये सब होने के बाद में इसको बोलना कि मुझे मिलना, मेरे दिमाग में गुरु जी की बात चल रही थी उस वक्त, मैंने इनको मैं बाद में बताऊंगा, तो मैंने मेरा दिमाग में था कि मैं इसको किसी तरह से गुरु जी से जोड़ू, बस ये मुझे उसको कहना था, तो मैंने उसको बोला भी था मैंने बेटा ये सब हो जाने के बाद में तू मुझे जरूर मिलना, बिना मिले जाना मत, बोले हाँ प्रॉब्लम होगी शादी वगैरह होगी वो बिना मिले चली गई। अच्छा उसके बाद फिर 30 अप्रैल को शादी है, हाँ तो अभी देखिए अभी बात 30 अप्रैल को जब मैं शादी थी तो मैं सुबह सवेरे 4:30 बजे पहुंच गया, 4 बजे पहुंचा तो जहां पर शादी थी वहां पर गया तो देखा तो वहां एकदम पूरा अंधेरा था, कोई था नहीं वहां पर, तो फिर मैंने इन लोगों को फोन लगाया, मैंने यार तुम लोगों ने तो एड्रेस दिया है, तो बोले नहीं बहू बोले शादी तो 12 बजे, अरे मैंने शादी 12 बजे तो तुम बताएगा कौन, मेरे पूरा फंक्शन भी नहीं बता दिया, मैंने मैं तो आ गया हूँ और मैं यहाँ भी कोई भी नहीं, मैंने तुम लोग कब पहुंच रहे, नहीं बोले हम लोग 11:30 तक पहुंचेंगे, और मैं सुबह पहुंच गया था 4:30 बजे, तो मैंने कहा अरे भाई एक्चुअली बोले जल्दबाजी में हम लोग भूल ही गए, मैंने ठीक है अभी पहुंचो, मैं तो पहुंच चुका हूँ, तो अभी मैं क्या करूँ 4:30 का टाइम, मैं रिक्शा वाले को बोला मैंने भैया तू कहीं पर भी मेरे, बोले सर आपको कहाँ मैं पहुंचूं, आज तो बोले वैसे लाखों लोग शिरडी में आए हो, बोले मैंने यार वो मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरी कहीं भी व्यवस्था कर, थोड़ा क्या, तो फिर मैं वो तुम कर आधा एक घंटा मुझे घुमाया और किसी पता नहीं थोड़ा शिरडी के थोड़ा आउटर में एक जगह कहीं से भी एक रूम दिला दी, वहां पर थोड़ा मैं फ्रेश वगैरह हो गया। अच्छा तो फिर मैंने उसको ऐसे ही पूछा, मैंने अभी शिरडी आया, मैंने उसको पूछा मैंने क्या भैया बाबा जी के दर्शन हो सकते हैं शिरडी जी के, अरे बोले साहब आप दर्शन में बोले अपने लाखों लोग आए, बोले आपको तो 7-8 घंटे लग जाएंगे, बोले और आजकल वो इंश्योरेंस भी चलता नहीं, बोले अगर आप 500 रुपये देंगे 1000 रुपये भी दोगे बोले तो आप घंटा दो घंटा तो मिनिमम लगेंगे, मैंने छोड़ दो यार जाने दो। तो फिर मैंने वहां से रिक्शा की और मैं चला गया सीधा भैरव जी के दर्शन करने के लिए, ऐसे मार्तंड भैरव के दर्शन, जैसे खंडूबा मतलब देखिए खंडूबा जी जो है मार्तंड भैरव के अवतार है, मार्तंड भैरव शिव जी के अवतार है, शिव जी मतलब अपने गुरुजी, गुरुजी स्वयं ही महाशिव है ये तो हमें बाद में पता चला है, तो जहाँ भैरव जी है वहाँ शिव जी है, जहाँ शिव जी है वहाँ गुरु जी है, मुझे गुरु जी के दर्शन करने थे तो मैं वहां पर चला गया, वहां पर मैं गया खंडोबा जी के दर्शन किए, मार्तंड भैरव के दर्शन किए, वहां मैंने मंत्र जाप किया गुरु जी का और प्रणाम किया, तो मैंने उस वक्त मेरे दिमाग में मिला मेरे गुरु जी शिरडी आया हूँ, वैसे तो शिरडी आके मेरे को 15-20 साल हो गए, ये मेरा मन था मैंने गुरु जी के भी दर्शन हो जाए, साई बाबा के भी दर्शन हो जाते तो ठीक है, मैंने ठीक है आपके दर्शन हो गए मुझे मैं खुश हूँ, तो वहां मेरा सब वहां से प्रणाम करके वहां अच्छी शांति मिलती थी, वहां से दर्शन करके मैं 7-7:30 बजे में फिर भी उसी जगह गया जहां पर इन लोगों का रुकने का इंतजाम, वहां देखा मैंने देखते क्या तैयारी हो रही थी, देखा तो वहां पर बस थोड़ी सजावट वगैरह वो लोग कर रहे थे, अभी तक कोई आया नहीं था 11:30 बजे, तो वहां मैं पहुंचा है तो एक कार आके रुकी, उन्होंने मुझे पूछा कि बोले ये लड़के वाले कब आने वाले हैं, मैंने वो तो 11:30 बजे, मैंने कहा आप, तो उसने बोला कि बोले मैं लड़के का मामा हूँ, वो जो बंदा आया था उसने बोला था कि मैं लड़के का मामा हूँ, बोले अच्छा अच्छा, मैंने कहा मेरे मेरे भाई के लड़की है, बोले अच्छा, बोले आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो बोले बोले अभी तो 11:30 बजे आने वाले, बोले आप क्या करोगे, मैंने आपको भी तो आना है ना, अरे बोले हम तो आई, मैंने अभी आप क्या करोगे, मैंने कुछ नहीं बस वेट एंड वॉच, तो बोले चलो बाबा जी के दर्शन, अरे मैंने माफ कर दीजिए बाबा जी के दर्शन नहीं होंगे, अरे आप चलो तो, उन्होंने बोला आप चलो तो सही मेरे साथ, तो मैंने ठीक है उनके साथ मैं गाड़ी में बैठा और वो पता नहीं वो गाड़ी एक जगह उन्हें पार कर दी, अब संकट जी आप बिलीव नहीं करोगे विद इन 1 मिनट में समाधि के सामने था बिल्कुल, आप देखिए मतलब इतने लाखों लोगों के अंदर गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मैं साईं बाबा के दर्शन के बिल्कुल समाधि के पास मिला, समाधि के बिल्कुल वहां पर पास में था, तो अंकल जी ने बोला कि आपको जितना दर्शन करना आप कीजिए, मैंने कि मेरा मन भर गया प्रभु जी, मैंने फिर मैंने बोला साहब मैंने बाबा जी आज के दिन आपको मुझे बुलाना था, मतलब उस दिन आपने मैंने आप एक मिनट में मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मेरे मुझे आज दर्शन हो गए, मैंने तो अपने गुरु जी से बोला था, मैंने गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी की, उसके बाद में वो मुझे द्वारका में लिखे गए, द्वारका में भी वहां पर भी भीड़ थी लेकिन वहां तो इनकी वजह से मुझे कोई भीड़ ही नहीं थी द्वारका माई में, वहां पर उन्होंने मुझे उस व्यक्ति से मिलाया जो जिसकी पीढ़ी मतलब भाईजामा जिसको साईं बाबा और मम्मी का दर्जा देते थे उनकी तीसरी पीढ़ी वहां पर थी, वो वहां पर सेवा कर रहे थे, उन्होंने एक नारियल हाथ में दिया, उन्होंने बोला कि आप ये धोनी को छुआइए, धोनी को छुआया, उसके बाद में फिर वो पूजा पाठ करके उन्होंने वहां पर माथा टेके हम लोग आए, फिर बाद में वो गुरुजी के पास में आए वहां पर जहाँ पर गुरु का दरबार है, तो वहां पर धुरी जल रही थी गुरुजी के पास में, तो उन्होंने बोले कि ये गुरु का पेड़ वहां पर नीम का पेड़ है वहां पर, तो वहां पर वो
ये जो विभूति बनाई जाती है उन्होंने बताया कि ये पर या फिर आपको लोभान वगैरह की पूरी दी जाती है, बोले यहाँ डालना है आपको डालिए, और फिर ये बोले विभूति आती है और फिर ये सबको बांटी जाती है। मैंने ठीक है पता नहीं वो अंदर गया जाके वो ढेर सारी विभूति लेके आया, इतना सारा प्रसाद लेके आया, और वहां तो मुझे कुछ ज्यादा रुकना ही पड़ा। विदिन मिनट वहां भी मेरा सूर्य दर्शन हो गया, फिर वहां उन्होंने मुझे शनि मंदिर, हनुमान जी का मंदिर सबका दर्शन करा दिया। अब से मैं मतलब 10 मिनट के अंदर मैं बाहर भी आ गया, मतलब देखिए गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि मेरी इच्छा गुरु जी ने वहां पूरी कर दी। अच्छा अच्छा, दूसरी बात ऐसी कि फिर वो 12 बजे सब लोग आ गए, और उस वक्त मैंने उसी लड़की को बोला, फिर से बोला मैंने बेटा पिछली शादी में जब मैं आया था तब मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे बिना बोले नहीं, बोले काका मैं अभी तुमको मिल के जाऊंगी, मुझे नहीं मालूम आपको क्या बोलना है लेकिन मैं मिल के जाऊंगी। बोले ठीक है। अच्छा फिर सब शादी हो गई, सब विदा हो गई, तो फिर वो बाद में फिर मैंने बोलिए काका क्या बोलना है, तो उनके हस्बैंड भी थे डेफिनेटली, मतलब हमारे कवर साहब भी थे, तो मैंने उसको बोले मेरा बेटा देखो जो बात मैं बता रहा हूँ, मैंने देखिए आपने सुने सारी दुनिया में नहीं कर, पूरे दुनिया से लोग शिरडी में आते हैं, और मैं शिरडी के भूमि पर बोल के तुमको ये बता रहा हूँ। मैंने देखो मैं किसी को बहुत मानता हूँ, मैंने एक गुरुजी है, मैंने शिव जी का अवतार, मैंने सिर्फ तुमको बोल रहा हूँ, मैं हर एक को ये बात बता नहीं सकता हूँ। मैंने कहा मैं चाहता हूँ इनका जो जैसा ही शिरडी है वैसा, मैंने कहा बड़े मंदिर इनका जो स्थान है उनकी यहाँ समाधि है, तुम जिंदगी में सिर्फ एक भाव मैंने वहां जाके हुए, मेरा दिल कह रहा अंदर से कि तुम्हें लड़का जरूर होगा, तुम बिना संतान के नहीं रहोगे, ये मेरा अंदर से मन हो रहा है, तुम सिर्फ गुरुजी से जुड़ो। बोले तो फिर कौर साहब भी बोले नहीं ठीक है अंकल हम जाएंगे, एक्चुअली नजदीक तो है ही नहीं, बोले दिल्ली तो दूर है, मेरा मैंने जाने को आजकल दिल्ली को तो नहीं लेकिन जाना जरूर ठीक है। तो फिर भी उसके बाद में फिर उसको मैंने बोला मेरा बेटा ऐसा है मैं सबको तो ये बात बता नहीं, सब लोग मैंने कहा भी बोलेंगे भैया शिरडी में तुम आए हो साई बाबा के दर्शन करें, दुनिया से लोग आते तुम बोले कि दिल्ली जाके दर्शन करो। मैंने देखो जो मुझे लग रहा है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। मैंने कहा देखो अगर तुमको जाने में दिक्कत हो रही है तो तुम सिर्फ ये मंत्र जाप बोलो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इतना मंत्र जाप तुम सुबह शाम बोला करो, और जब भी तेरा मन होगा तब तुम मैंने कहा उनके दर्शन को चले जाना, लेकिन दिल से बोलना श्रद्धा से बोलना। मैंने कहा वो लेट्स ट्राई वाला हिस्सा मत बनना, क्योंकि लोग क्या करते हैं चलो कोशिश करके देखते हैं, मतलब भगवान की परीक्षा लेने जाते हैं लोग, श्रद्धा रखो तो तुम्हारा सब काम होगा। तो बोले हाँ फिर जरूर मैं ऐसे करूंगी। तो उसके बाद में जो ऐसा हुआ ना कि मैं जब भी उसको मैसेज करता था कभी भी व्हाट्सअप करता था 2 दिन में 3 दिन में तो मैं हमेशा जय गुरुजी बोलता था, और वो भी मुझे जय गुरुजी का ही रिप्लाई देते थे। ये वो बात होगी मतलब 30 अप्रैल की, और संगत जी अगले 18 अप्रैल को उसका लड़का हुआ जय गुरु जी। तो देखो मेरा मन, तो फिर उसके बाद में एक्चुअली उसका जाना हुआ नहीं, मैंने उसको बोला मैंने बेटा तू मंत्र जाप भी किया कर, जब तेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब तू वहां चले जाना, कोई बात नहीं तेरा काम तो होगा कि नहीं, ऐसा मैंने उनको यही बात बोला। अच्छा दूसरी चीज ऐसी हुआ है कि जैसे मीना दीदी ने मेरे पीछे पड़ गई कि आप गुरु जी से जुड़ो, वैसे मैं अपने जीजा जी को भी हमेशा बोलता था। मेरी एक सिस्टर जो है वो उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा में है, तो वो लोग बड़े साई भक्त हैं, जबकि वो उत्तराखंड में है और साई भगवान को इतना मानते हैं कि और किसी को मानती नहीं है। मैं हमेशा उनको बोलता था कि मैं जीजा जी आप एक बार गुरु जी के यहाँ हुआ होगा, क्योंकि उस लड़की की पीएचडी भी हो चुकी थी और 2-3 साल हो चुके थे पीएचडी होके, बीच में तो कोरोना के वजह से 1.5-2 साल वैसे ही चले गए, उसको सर्विस भी नहीं लगी थी, फिर उसकी वजह से बीच में तो वैसे भी जाने लायक स्थिति थी नहीं, और उसका मैरिज का भी नहीं हो रहा था तब तक। तो मैं उसको हमेशा बोलता था कि मैं हमेशा उनको जय गुरु जी बोलता था, साई बाबा की भी उनको जय गुरु जी का मैसेज भेजता था, वो साई बाबा का भेजते थे मैं जय गुरु जी, मैं हमेशा उनको बोलता था कि जय गुरु जी होता है। तो कभी कभी मैं गुरु जी को बोलता था गुरु जी मैं इन लोगों को बोल बोल के थक गया, मैंने आप भी कुछ कीजिए और उनको बुलाइए, मैं ऐसा बोलता था गुरु जी को। तो अच्छा एक बार क्या हुआ कि वो जीजा जी का मुझे फोन आया, अरे प्रदीप तुम्हारे गुरु जी मेरे सपने में आए। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा जीजा जी यही वैसे गुरु जी मेरे अकेले गुरु जी सबके नहीं, बोले वही बोला तुम्हारे गुरु जी मेरे सपने में कैसे आए, मैं तो उनको मानता नहीं। अच्छा मैंने हुआ क्या, बोले एक्चुअली सुबह 5 बजे का टाइम था और मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे बोला कि अभी तक तुम बड़े मंदिर गए नहीं। तो बोले मैंने बोला कि नहीं गुरु जी, फिर मैंने हाथ जोड़ के बोले नहीं गुरु जी बोला, और बस उन्होंने बोले वो अपनी कार में बैठे और चले गए। तो मैंने कहा जीजा जी इसका मतलब ये हुआ कि आपको बड़े मंदिर जाना है, जाके आना चाहिए था, उन्होंने अगर ये बोला है कि आप अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए तो मैंने तुमको जाना चाहिए। और फिर मैंने वो लड़की को भी बोला, दीदी को भी बोला, मैंने देखो तुम बड़े मंदिर जाओ, ये कुछ ना कुछ इंडिकेशन है बड़े मंदिर गुरु जी का बुलाने का। उनको वही बोला मैंने कि मैंने कहा आपको बड़े मंदिर बुलाने का गुरु जी का इंटीमेशन है। तो मैं दीदी को भी बोलता था, तो मैंने गुड़िया मतलब वो मेरी भाजी को भी बोला मैंने बेटा कुछ तो करो यार, तुम एक बार मैंने बड़े मंदिर हो जाओ तो मैंने कहा देखो तुम्हारे रास्ते जरूर खुल जाएंगे, तुम एक बार बड़े मंदिर जाके आ जाओ। तो फिर दीदी अपना मतलब दीदी अपनी बोली कि अभी पैसे तो कुछ काम है नहीं क्या करेगी बड़ी, हुआ मतलब दिल्ली जाके कुछ काम निकलेगा तो जाएंगे बड़ी मंदिर भी हुआएंगे, देखते हैं बोली जैसी बाबा की इच्छा। मेरे ठीक है।
एक बार फिर वो तो बिल्कुल तीन चार दिन के बाद में मेरे भांजे का मुझे फोन आया, बोले मामा मैं मुझे बोले दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी का कॉल आ गया है, बोले मैं बड़ी मंदिर जा रही हूँ। और मैंने कहाँ से आया, तो ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड इंस्टीट्यूट है वो, तो वहां पर उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, तो बोले अभी मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। मैंने जय गुरु जी देखो तुम तुझे बुला लिया फिर अभी, तभी जीजा जी और दोनों जो थे जीजा जी को तो चाहिए था कि बोले मुझे तो बड़े मंदिर जाना ही दर्शन करने के लिए, तो फिर वो लोग दिल्ली चले गए। अभी वहां पर वो लोग उन्होंने बोले बोले मामा मुझे लेकिन वो हॉस्टल में ही एडमिशन मिल जाए तो अच्छा है। मैंने देखो गुरु जी सब करेंगे, तुमको गुरु जी की संगत भी मिल जाएगी, ये भी मैंने उसको बोला। तो ऐसे एक दिन ढूंढते ढूंढते उनको ऐसी संगत मिल गई कि जो गुरु जी को अच्छे मानती थी, वो भी उन्होंने मुझे बोला कि मामा आप मुझे गुरु जी का स्वरूप दीजिए, मुझे तो गुरु जी की संगत मिल गई बोले। और वो मुझे बोला कि हम आपका क्योंकि उसको ई पास से दर्शन, बोले ई पास भी दिलवा देंगे। मैंने देखो तुमको टाइम मिला भी तुम वहीं पर हो, पहले तुम अपना काम करवा लो उसके बाद में दर्शन भी कराए। तो उसके बाद में फिर उस पीरियड में तो जा नहीं पाए, तो उसके बाद में दो दिन बाद उनको और ऐसी संगत मिल गई जिनकी खुद की कार थी, वो संगत खुद ही उनको लेके चली गई ई पास के दर्शन के लिए। और ई पास से तो मैंने निकालवा दिए थे उनको, तो वैसे उनको दर्शन करके वो लोग आ गए। तो इस तरह देखिए गुरु जी ने उनको बुलाने का था तो कैसे ही बुलाया, अब शादी भी गुरु जी करवा देंगे जैसे वो गुरुजी की इच्छा है सब आगे। तो इस तरीके से मतलब गुरुजी कब किस ढंग से बुलाएंगे हम नहीं बता सकते, ये सब गुरुजी के ऊपर निर्भर करता है ऐसा। तो गुरुजी कभी किसी को निराश नहीं करते, बस हमें माना गुरुजी हमेशा कहते थे कि लेट्स ट्राई वाले लोग बहुत होते, मतलब जैसे हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है छोटे छोटे संकेत। अब उसके बाद में बता रहा हूँ कि मुझे कभी दर्शन हुए नहीं थे, लेकिन अभी मुझे वो दिन याद रहेगा जिस दिन मुझे गुरुजी के दर्शन, क्योंकि मुझे तो मैंने कहा मैंने बुद्धिया जी को मैंने गुरुजी अब मैंने कहा जीजा जी कम से कम गुरुजी के दर्शन आपको तो मैंने आप तो मानती नहीं फिर भी आपको गुरुजी के दर्शन है, मैंने गुरुजी के दर्शन मुझे आज तक नहीं हुए। मैंने कोई जैसे जब को गुरुजी के दर्शन देने गुरुजी करेंगे फिर। तो एक दिन क्या हुआ था और वो दिन था दूसरे दिन भाई दूज थी, भाई दूज के बिल्कुल उसी रात को। तो जनरली अभी हम लोग सवेरे अमृतवेला सत्संग करते रहते, तो उस दिन दो तीन दिन नहीं कर पाए थे किसी कारण, हमने सोचा था कि मैंने कहा अमृतवेला सत्संग में बैठेंगे सुबह 3:30। तो जब मैं बैठा था तो समझो 3 बज गए थे, तो ढाई 3 बजे थे। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा आधा घंटे बाद फिर सो जाते, मैंने फिर सत्संग करेंगे ऐसा सोचा, तो मैं फिर सो गया। उसके बाद में मैंने देखा कि जहाँ जो रूम थी मेरी थी, मैं बेड पे ही बैठा हुआ था और बेड पे ही बिल्कुल सफेद चोले में इतना प्रकाश फैला हुआ था और गुरुजी बैठे हुए थे। और गुरुजी किसी को कुछ ना कुछ चीजें दिए जा रहे थे अपने हाथों से, और मुझे लोगों के सिर्फ हाथ दिख रहे थे बाकी कोई दिखने ना था, क्योंकि गुरुजी का इतना प्रकाश था, उनकी इतनी आभा थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और लेकिन व्हाइट चोले में बैठे थे। और वो ऐसा करते करते फिर उनकी ध्यान गुरु जी का मुझे मेरी तरफ गया, मुझे बोले तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए, बोले इत्या, उन्होंने था बोले इत्या। तो फिर मैंने वहां गया और मैंने गुरु जी के आगे मत्था टेका और फिर उत्तर देखा, तो पता नहीं गुरु जी के गले में क्या माला थी, क्या माला कुछ तो थी चमकदार माला थी, उन्होंने मेरे गले में डाल दी ऐसा, और फिर गाल दी। तो मैंने गुरु जी को प्रणाम किया और फिर मैंने आंख लगा ली, और थोड़ी देर बाद मैंने जब आंख खोली तो देखा तो कोई था नहीं, मैंने देखा कि आंटी तो बाजू में बैठी हुई थी और वो सत्संग कर रही थी। फिर मैं भी उठ गया और फिर मैंने भी मैं अपने वो मंत्र जाप शुरू किया और मैंने कहा गुरुजी के दर्शन हुए अपने को। और फिर वो मैं फिर बाद में दो घंटे का मैंने वो सत्संग सुना, मतलब अमृतवेला सत्संग गठन किया, और सवेरे उठने के बाद फिर मैंने आंटी को सारा अपना ये सब इस तरह से मेरे को गुरुजी से मेरी कुछ बात नहीं हुई, बट उन्होंने इतना ही बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए और क्या है, तो उन्होंने तुम्हें जाके माथा टेक जाए, उन्होंने गले माला डाल दी बस, बाकी और कुछ बात भी नहीं उनसे मेरी इतनी। तो बस इस तरीके से गुरुजी से मेरा ये हुआ। और एक बार मतलब ये भी मतलब संकेत ऐसा होता है कि एक बार जैसे मैं उज्जैन जा रहा था, तो उज्जैन में मतलब मुझे सैटरडे बोलते शायद कुछ अमावस शनि अमावस वगैरह कुछ थी, लेकिन किसी कारणवश मैं उज्जैन जा रहा था। तो जिस डिब्बे में मैं बैठा हुआ था ना, उस डिब्बे में मैं एक सवेरे सवेरे जो तो मैंने कहा ऐसे मन में आया, मैंने यार पता नहीं इस बोगी में अभी कुछ चाय वाला भी नहीं आया, चाय मिल जाती अच्छी होगी, ऐसे मेरे दिमाग में आ रहा था। बाद में अंकल बाजू में थे, वो पता नहीं अब उनका थर्मास वगैरह थे, चाय वो चाय वगैरह बना रहे, मैंने बोला अंकल ये लीजिए चाय पीजिए, मैंने कहा ना जय गुरु जी, मैंने कोई कोई बात नहीं अंकल मैं धन्यवाद ऐसा। तो बोले मैं ऐसी बातचीत हुई, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, बोले मैंने कहा नहीं मैं तो उधर किसी कारण जा रहा हूँ, मैंने आपने बोले मैं तो महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, मैंने आप कहाँ रहते, बोले हम लोग ठाकुर यहाँ रहते हैं ठाकुर विलेज रहते हैं, मैंने आप ठाकुर विलेज रहते और महाकाल के दर्शन के लिए आप उज्जैन आ रहे हो, तो मैंने आज दर्शन हो जाएंगे, अरे बोले नहीं आज दर्शन नहीं होने, बोले क्योंकि बोले आज तो इसलिए बोले हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता, इसलिए आज के आज मैं नहीं लौट सकता, नहा धोके हम लाइन में, बोले 6-7 घंटे तो लाइन में लगी जाएंगे, अब हमको तो तुरंत रात को शाम को लौटना था। मैंने कहा मेरे दिमाग में एक ही विचार है, मैंने गुरु जी मैं सोच रहा था कि आज महाकाल के दर्शन करके मैंने आप महाकाल के आऊंगा तो आपके दर्शन हो जाएंगे, तो आपके दर्शन तो मुझे होने से रहे, मैंने
मैंने जय गुरु जी जैसी आपकी इच्छा, मैंने इतना ही सोचा एंड यू नो पूरा जो पूरा कंपार्टमेंट था वो फूलों के सुगंध से भर गया, जबकि झाड़ू मारने वाला झाड़ू मार रहा था और पूरा इतना फ्रेग्रेंस हुआ कंपार्टमेंट में, मुझे मतलब इंटेंस था, इंटेंस फ्रेग्रेंस था गुलाबों का, मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं बोला यार गुलाबों की खुशबू कहां, तो बोला अंकल कहां गुलाबों की खुशबू है, फिर मुझको एकदम स्ट्राइक किया। अरे मैंने गुरु जी ने हमको संकेत दिया कि तुम्हें दर्शन नहीं भी हो रहे महाकाल के तो चिंता करने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो वो फ्रेग्रेंस आप सोचिए, उज्जैन आ गया और उसके बाद में मैं घर पहुंचा तब तक भी वो फ्रेग्रेंस मेरे साथ रही, वहां जाने के बाद भी वो फ्रेग्रेंस मेरी खत्म है। उसके बाद में फिर मैं महाकाल गया भी और मैंने बाहर से प्रोजेक्टर से दर्शन हो रहे थे वहां गए, उसके बाद में बाजू में हरसिद्धि का मंदिर था, उस हरसिद्धि के मंदिर में जाके भी बाजू में ही वहां शिव जी का था, वहां पर हम लोग जाके पूजा कर ली, शिवलिंग था वहां पर मैंने हाथ जोड़ दिए और पूजा कर ली, तो मेरा मन बड़ा अच्छा हो गया वहां पर, अच्छा लगा मुझे दर्शन। तो इस तरीके से गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी वहां पर। और वो अंकल को मैंने बोला, मैंने देखिए आप मेरी कभी एक बात जरूर याद रखना, मैंने आप वहां पर मंदिर है गुरु जी का आश्रम वहां जरूर जाना, मैंने आप शिव जी को मानते इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ठाकुर विलेज में रहते हैं वहां से 2 मिनट का रास्ता है, आप शिव भक्त हो इसके लिए मैं आपको, मैंने कहा मैं भी शिव भक्त हूँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जाना जरूर, मैंने आप कितनी श्रद्धा से इतनी दूर से यहाँ आ रहे, वो तो आपके पास में विराज है वहां पर, तो आप उनको मिलना जरूर। बोले नहीं जरूर जाऊंगा, ये जरूर मैंने उनको बताया आप उससे जरूर मिलना, तो बोले नहीं ठीक है अंकल मैं जरूर जाऊंगा। तो इस तरीके से उस वक्त मेरा मतलब इच्छा वहां पर पूरी हो गई, मतलब इस तरह से फ्रेग्रेंस मुझे अच्छा मिला। आज भी सुबह का मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम था सत्संग करना था, आपकी मुझे ड्यूटी जबकि मैं 6 बजे स्टॉप पे खड़ा था और मेरे इर्द गिर्द आप समझिए वो बटरफ्लाई मंडरा रही थी वहां पर स्टॉप पे, काली बटरफ्लाई काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी और वो ऐसी मंडरा रही थी, पर बाद में मैंने थोड़ा इधर आ जाके फिर बाद में फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ, मैंने देखो गुरु जी ने इंडिकेशन दे दिया कि भैया तुम्हें आज सत्संग करना है करके। तो इस तरीके से मतलब गुरु जी कुछ ना कुछ सांकेतिक भाषा में अपने को बता जरूर देते हैं ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी से जुड़ना इतना आसान है नहीं, गुरुजी की जब इच्छा होगी तभी हम उससे गुरुजी से जुड़ सकते हैं। और गुरुजी का मंत्र तो एकदम सीधा साधा है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इसके इससे अलावा कुछ नहीं। और गुरुजी के डुगरी जाने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम तो डुगरी मतलब 31 को जैसे पुण्यतिथि रहती है उस टाइम के हम लोग बड़े मंदिर गए, लेकिन बड़े मंदिर का अनुभव मैं आपको बताता हूँ, बड़े मंदिर में जो पॉजिटिविटी है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी जब कोई खुद जाएगा वो पता चलेगा। देखिए बड़े मंदिर जो है, जैसे आप जब वहां जाओगे, बड़े मंदिर ही दुनिया के अंदर एक ऐसा बड़ा मंदिर है जिसकी आधारशिला स्वयं भगवान ने रखी है, गुरु जी ने, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी स्वयं महाशिव है, वो खुद बोले थे कि ये तो मैंने अपनी संगत के लिए बना के मैं जा रहा हूं। और वहां पर वो इतना बड़ा शिवलिंग है, इतना बड़ा शिवलिंग दिखाई वहां पर, मतलब शिवलिंग का मतलब वो होता है शिव, मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेड बॉडी एंड द आत्मा एंड द शक्ति, वो परमात्मा का एक है और बाकी जो जितने लोग हैं हम उसी के छोटे 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 परमात्मा के आत्मा के एक आत्मा के रूप में सब इतर मंडरा रहे, सभी को जाके विलीन उसी में हो गया। तो जब वो मृत शरीर को जब वो आत्मा जोड़ते हैं तब उसमें जान आती है, ये उसका एक सिंबॉलिक है शिवलिंग जो है। तो वहां से शिवलिंग जो है वो आसमान की तरफ दिखाई देता है, इतना बड़ा शिवलिंग आप जैसे ही अंदर। वहां पर गुरु जी ने बोला था कि जब भी आप बड़े मंदिर आओगे तो अपना अपना दिमाग, जितनी औकात आपके जूते चप्पल की है उतनी ही इंसान की, आप वही रख के, उसकी जरूरत नहीं, अगर आपको कुछ लेके जाना है तो आप खाली दिमाग से अंदर आओ, अपने इफ बट किंतु परंतु कि कैसे क्यों वो सोचने की तुमको जरूरत नहीं, आप सिर्फ वहां आओ अगर आपको कुछ पाना है तो। क्योंकि गुरु जी हमेशा, जब गुरु जी स्वयं उस वक्त थे तो हमेशा बोलते थे इफ्स और बट्स वाले बहुत आते हैं यहाँ पर आजमाने के लिए, जो आजमाने आते हैं उनका कभी कोई काम होता नहीं। और इस मंदिर में आपको ले जाने के लिए ना कोई फूल ले जाना है, ना फलहार लेके जाना है, ना मिठाई लेके जानी है, कुछ भी लेके जाना नहीं, आपको सिर्फ स्वयं को जाना है। वहां पर कोई पुजारी नहीं, ये पहला मंदिर जहां पर कोई पुजारी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको बिल्कुल आदर के साथ में आपको वेलकम होता है। कई मंदिरों में जहां ऐसी भीड़ होती है वहां पर दर्शन करने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो मन अंदर से बड़ा खराब हो जाता है। यहाँ वो चीज नहीं, यहाँ बड़ी रिस्पेक्टफुली आपको बुलाया जाता है, भेदभाव नहीं है, जात धर्म का भी यहाँ भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है, ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला है, गुरु जी ने सबके लिए, क्योंकि सभी इंसान है, भगवान ने तो इंसान ही बनाया, ये बाकी तो हम लोगों ने बनाया है। गुरु जी हमेशा जेते थे संगति उनका परिवार था, इसलिए हम लोग बोलते जय गुरु जी की, पता नहीं किस संगत में गुरु जी स्वयं अपने को दर्शन दे दे। गुरु जी का जितना शुक्राना अदा किया जाए उतना कम है, न मिलती अगर दी वही दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी।